हेलो गेमर्स, वेलकम बैक नेक्स्ट लेवल। आज हम खेलने जा रहे हैं कैलेस्टो प्रोटोकॉल। सॉरी, पहले दो पार्ट में वॉइस ओवर नहीं कर पाया क्योंकि यार गला ख़राब है, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया। तो आज हम तीसरे पार्ट में वॉइस ओवर करने जा रहे हैं। और ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इसके एक्शन तो आए हाय गजब, स्वाद आ जाता है देख के। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और जो भी यार सब्सक्राइब नहीं करता वो सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखा है मैंने, लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो यार, कुछ जाता थोड़ी है, सपोर्ट करो। एनर्जी कन्वर्टर मिल गया हमें, आगे चलते हैं। बोल भाई जोर लगा, कुछ खाया कर, जोर लगा, ये बात बोल तो दिया यार, जोर तो ऐसे लगा रहा है जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया इसने। इस गेम के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। क्लैश टू क्रेडिट्स मिल गया हमें, इससे हम अपना वेपन अपग्रेड कर सकते हैं और ये वो चीज़ खरीद सकते हैं जो सर्वाइव करने के लिए हमें ज़रूरत है, उन क्रिएचर्स को मारने के लिए। और जिन्होंने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हो जाके पिछले दोनों पार्ट देख ले, तब ये गेम थोड़ा सा समझ में आएगा। इस गेम में एक्शन भरपूर है यार, भर भर के एक्शन है। ओह फट गई देखिए, ऐसे भगा भगा आया ये और किल लग के तभी मर गया वो, और सामने वाला तो वेंट मार गया नीचे, वो निकल के आएगा आगे कहीं पे। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। ये कोई प्रिज्म जैसा बना रखा है स्पेस में, एक स्पेस स्टेशन है। अब हमें पता नहीं कि हम अभी स्पेस में है या ज़मीन पे है, कहाँ पे है, क्योंकि हम अभी अंदर ही हैं स्टेशन के, तो अभी हमें बाहर का नज़ारा देखने को नहीं मिला। खोल भाई, कहीं इसके पीछे भी वही निकले, भगता है और रात ही मर जाए वो, जो जब बेचती हो जाएगी फिर तो जम्बीज की। यार वो जम्बीज भी नहीं है, वो कुछ अलग ही तरह के क्रिएचर हैं, उनका पता नहीं है, उनके अंडे हैं यहाँ पे। अबे क्यों हाँ पर है, क्या हो गया? अटैक तो करेंगे वो, भाई हम पे भी कर रहे हैं, तुझ पे तो करेंगे। हर्ट नहीं है वो, उसकी फटी पड़ी है देख के, वो सब अच्छे खासे बंदे की फट जाए वो सब देख के, तू बोल रहा है फटी पड़ी है उसकी। अभी मर गया क्या वो? यार वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था, बता रहा था, हमें गाइड कर रहा था कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर वो मर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एलिवेटर हमने नीचे बुलाया, अभी आगे चलते हैं। अबे आज ऐसे आवाज़ ऐसे आ रही है एलिवेटर से जैसे अभी के अभी टूट जाएगा ये, कि ये टूट जाए और हम अंदर ही फंस जाएँ, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चलो चल तो पड़ा, हम ऊपर जा रहे हैं। अरे जिंदा तो है, बोल तो रहा, बात तो कर रहा है, चलो बात है, जिंदा है। एनिमेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसको, एक्शन भी। अबे क्या हो गया, किस के घर पे वार हो रहा है? लीथल फोर्स हैज बीन ऑथराइज्ड। अबे ये रोबोट क्यों मार रहे हैं इंसानों को? ये तो फोर्स का रहा है, वही एरिया सिक्योर्ड, मूविंग टू मेडिकल सेक्टर। दिया उसने, फाड़ दिया, इसकी गुड्डी चटका दी उसने। ये रोबोट क्यों मार रहा है यार इंसानों को? ये तो इंसानों के साथ था ना, सही डिफेंस मोड में चला गया। ये एलियन हो, एलियन पता नहीं जो है, पता नहीं क्या, उनको भी मार रहा हो, कहीं इंसानों में वायरस हो इसलिए इंसानों को भी मार रहा हो ताकि और ज़्यादा ना फैल ले, इसलिए सभी को मार रहा है रास्ते में आने वाली हर चीज़ को। तो हमें इससे छिप के रहना पड़ेगा, वरना ये भी हमारी गुद्दी ऐसे ही चटकाएगा जैसे अभी उसकी चटकाई है।
हम इसकी गुद्दी नहीं चटका सकते, ये देख कितना तकड़ा है यार। एक सेकंड लगेगी इसको हमें ख़त्म करने में, बस इसे छिपके रहना है और आगे बढ़ता रहना है। नो मूवमेंट डिटेक्टेड। आवाज़ तो मस्त है यार इसकी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम इससे बच के, कहीं ये हमें ना चटका दें। हमें बस उसकी लाइटिंग में नहीं आना है, जो लाइट निकल रही है उसकी आँखों के उसमें नहीं जाना है अपने को। अगर हाँ वो स्कैनिंग कर रहा है, उसकी लाइटिंग में नहीं जाना अपने को। अगर उसकी लाइटिंग में गए तो हम हमें डिटेक्ट कर लेगा और हमें मार देगा उसके पीछे। यार ये खुद को ही खुद ही कमांड दे रहा है क्या बोल बोल के, या हमें बता रहा है? ये डरा रहा है हमें, दबदबा बना रहा है हमें, हमसे ऐसे बोल बोल के। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, दबना ही पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अपने पास कोई वेपन भी नहीं है ढंग का। ये एक लोहे का डंडा सा, इससे हम उसका क्या ही कर लेंगे। उसके पास इतने हैवी वेपन है, एक सेकंड में चटका के चलता बनेगा वो। ये तक नहीं दिखते यार, अबे यार ये डरा ही दिया, पता नहीं क्या हो गया है। बॉक्स खोलते ही लीच टाइप ज़ॉम्बीज गंडिल्ले कहीं भी चिपक जाते हैं आगे। इसकी गर्दन उड़ा रखे भाई इस प्रिजनर की। यहाँ से फ्यूज निकालना और आके डालना होगा कहीं पे, जो भी मिले उठाते रहो भाई साथ साथ में। ये क्या है? इनकी इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें कुछ नहीं मिलता काम का, बस ये अपनी बकलोली करते हैं और चलते बनते हैं। फ्यूज यहाँ पे लगाना है अपने को आगे जाने के लिए। ओ भाई क्या तबाही मचाई ये यहाँ पे, तो वो आया। अरे तेरे मुंह पे डॉट करूँगा ये, अगर रस्ता मारा उसने मेरे को। ले, ले, ले। और ये ले, फिर से रस्ता मारा भाई, फिर नहीं दिया मुझे। आग में भी नहीं जला यार ये, कुछ भी नहीं हुआ आग से इसका, इसको पता भी नहीं चला कि आग लगी हुई है तुझे। उसको घंटा ही फर्क पड़ता आग से। लेकिन अपना करैक्टर भी बैड ऐस है, डरता नहीं है चाहे कोई आग वाला ज़ॉम्बी आए या कैसा भी आए, बस पेलना है तो पेलना है। हर मरज का इलाज है इसके पास, जो ज़ॉम्बीज को उठती है, जो चूल मचती है इंसानों को मारने की। हेल्थ मिल गई अपने को, हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इसकी गुड्डी के पीछे तुम लाइट देख रहे हो ना ग्रीन ग्रीन, ये इसकी हेल्थ बार है, ये हेल्थ दिखाते हैं कितनी है। ये कौन है क्या बोल रहा हूँ, ये शायद ये वही है यार जिन्होंने आप पे कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट किया होगा, उनमें से ही होगा ये कोई, क्योंकि स्टार्टिंग में भी इसका होलोग्राम हमें देखने को मिला था। यही है यहाँ पे जो ये लीड कर रहा है, ज़्यादा भी ये मर चुका होगा। शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए अपने को खतरनाक वेपन, जिनसे हम इनकी गुड्डी चटका दें। अभी वो क्या है, वो भी चल रहा है अपने जैसे ही चल रहा है, वो भी खतरनाक ही चीज़ है भाई, वो अपने को पक्का पे लेंगे अभी आने वाले टाइम में। अभी कैसे उछल उछल के, अरे वाओ ना क्या हुआ, ओ भाई रक्ता मार के भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कहाँ तक जाएगा
कहाँ तक जाएगा? वापिस आना? अब भाग गया भगोड़ा, वेंट मार गया वो। वेंटों का तो इतना ज़्यादा हिसाब आया होता है ना इनको, एक सेकंड में वेंट में गायब हो जाते हैं। एलियन हो या ज़ॉम्बी हो या कोई भी क्रिएचर हो, वेंटों का तो इतना ज़्यादा हिसाब आया होता है ना इनको, एक सेकंड लगता है इनको वेंट ढूंढने में और गायब होने में। कोई शायद वेपन है जो अपने काम आएगा। यार ये जल्दी तो खतरनाक निकल गया इससे। ये वेपन कुछ मेरे को फाड़ू लग रहा है, इसका क्या करेगा? वो फेंक दिया, ये रख लिया। अरे वाह, फोल्डेबल भी है, फोल्ड हो गया। और तो नहीं है यहाँ पे कुछ। Yeah, see you there. ये ऑन कर देते हैं। ओके। ये कौन है? वो कर रहा है यार। अबे आज आप तुम रक्ता मारेगा मार। इसके तो दोनों हाथ पाव हमने नीलाम कर दिए, बेच खाया इसको तो। अगर सब कहीं हाथ पाँव गर्दन सब कुछ उड़ा पड़ा है यहाँ पे, किसी का कुछ नहीं है, किसी के हाथ गायब, किसी का पाँव गायब, तो किसी की गर्दन ही गायब। खुद फुल बकलोली चल रही है यहाँ पे, फुल। साइड से आवाज आ रही है गंदिल्लों की। यार मतलब हम क्रैश हुए, क्रैश होने के कुछ टाइम बाद ही स्पेस शिप का ये हाल हो गया। पता नहीं स्पेस शिप है या कोई स्टेशन है, पता नहीं, लेकिन इसका बहुत गंदे वाला हाल हुआ पड़ा है। गर्दा उड़ा रखा है ज़ॉम्बीज ने यहाँ का, ये देखो कितना गंदा हाल कर रखा है। ये हेल्थ इंजेक्टर है अपना, हेल्थ डाउन होने पे लगाते हैं। इसकी जो गुद्दी में लाइट है वो रेड हो जाती है, जब इसकी हेल्थ डाउन हो जाती है तो तब वो काम आता है, तब हम उसको लगाएंगे जब हेल्थ कम हो जाएगी। वैसे तो अपनी हेल्थ फुल है, ग्रीन है। ये रहा एक, अबे हेल्थ लगाते हैं। हेल्थ तो चूस भगाई उन्होंने, ऐसे चूस ली जैसे पता नहीं क्या टॉपिक चूस रहे हैं। लेकिन इनका एक फायदा है, ये सब देते हैं अपना क्रेडिट देते हैं, जिससे हम अपना वेपन अपग्रेड कर सकते हैं। शायद आने वाले टाइम में एक ने हेल्थ दिया, बाकी क्रेडिट दे रहे हैं। और ऊपर चलते हैं भाई, और कितना ऊपर भेजोगे? आसमान में भेजोगे क्या भाई? यार ये स्टेशन है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब और ऊपर या नीचे? ऊपर और ऊपर और ऊपर, कितना ऊपर यार, शर्म कर लो। आसमान में ही भेजोगे सीधा भगवान के पास? अरे यहाँ कोई इंसान है। ये तो पहले मिला था, यही तो हमें पकड़ के लेके आया था, क्रैश हुआ था जब अपना स्पेसशिप। वही बंदा ही है, बहुत जलता है अपने से, बहुत कटता है। इससे छुप के हमें आगे जाना पड़ेगा, वरना ये फिर बकलोली करेगा अपने साथ कोई ना कोई। अभी ये क्या था? अरे ये क्या ग्लिच है? इसमें कोई पावर है या ये कोई इसके पास डिवाइस है जिससे ये सब कर रहे हैं? फेल दिया अपने को इसने। भाई तू अपना काम आराम से कर लेता, हम कोई कुछ बोल थोड़ी रहे थे, अपना जा रहे थे हम। तो देखो कोई टेंशन ही नहीं है यार, शायद इसमें कुछ पावर है। भाई देख
हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमने माना हमारा स्पेसशिप क्रैश हुआ था लेकिन हमारे बाद ये सब स्टार्ट नहीं हुआ ठीक है। हमारा स्पेसशिप भी लड़की की वजह से क्रैश हुआ था, उसको मारे जाते हमें क्यों मार रहे, उसको देखने कुछ बोलना भी नहीं, हमें फेल रहा है। अबे इस चाकू से लड़ेगा क्या इसके साथ है? अरे वाह जंगल लेके कूदेगा उसको नीचे, फेर दिया उसको, मरा तो नहीं होगा यार वो, इतने आसानी से तो नहीं मरने वाला वो, कि जंगल लेके कूद यार वो मर जाए, इतने आसानी से नहीं मरेगा वो। ये क्या है उसका डाटा जो उसने रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है भाई, अपने को क्या, बस तू मर जाना चाहिए, इसलिए ऊपर से कूद रहा है वो जंगल लेके, तो तू ऑब्वियसली वो मर गया होगा यार, मेरे को नहीं लगता जिंदा रहा होगा वो। अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ये कोई नई जगह आ गई है, इसमें शायद सबका डाटा है, ये भी तबाह हुई पड़ी है यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे,